अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्टर निज़ाम गुड फॉर्म। दिस इज़ मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनैद एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल मिस्टर निज़ाम गुड फॉर्म, जिस पे आज एक बहुत प्यारी नासी फीमेल है जिसको हैदराबादी कहा जाता है। हैदराबादी ब्रीड लाइन में देखिए नासी है, जो अच्छे आँख है, बिल्कुल ब्रीड लाइन की आँख है, देख सकते हैं आप। आँख में जो होनी चाहिए खूबसूरती वो बराबर है, और देखिए कान खुले कान है, कहीं भी रिंकल नज़र नहीं आएंगे आपको। इसका मेजरमेंट भी करके बता दूंगा, ये चुन्नी के धब्बे है भाई। अभी सर्दी है, ज़्यादा पानी लगाना भी मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ जानवरों को मैं तो। इंशाल्लाह देखिए, अभी जब से आपको मैं पिछले वीडियो में भी अपने बताया हूँ केयरिंग के लिए, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो जानवर जिसका ज़्यादा है, मैं जो कर रहा हूँ अभी कोयला वगैरह लगा कर जानवरों के बीच में रख रहा हूँ। खुसूसन जो जानवर ऊपर के छत पर पालते हैं या टेरिस पर पालते हैं, उनके लिए मस्ट है। थोड़ी अंगार लगाइए आप, बीच में रख दीजिए, जानवरों को गर्मी होगी उससे। रात के टाइम पे खुसूसन मगरिब के बाद आप कर सकते हैं, मैं भी इसी तरह कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊँगा आपको कि किस तरह से आप अगर जानवरों को गर्म रखना चाह रहे हैं तो बत्ती वत्ती लगाने के बाद भी थोड़ा कोयला जो होता है, कोयला सांचा कोयला, उसको जलाइए, जला के रखिए, या फिर आपके लिए लकड़ियाँ हैं तो जला के रखिए, थोड़ा गर्मी दीजिए लोगों को। तो ये एक पार्ट है, देखिए मेरे प्लेटफॉर्म पे किसी अमानत है, सेल करके देने का है, बल्ला गुड़े से आई हुई पार्ट है ये, हमारे भाई लाकर छोड़े रात में। तो ये देखिए नए शौकीनों के लिए अच्छी चीज़ है, इसका रेट भी पूरा आपको दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल देने के बाद रेट का भी डिटेल दे दूंगा। और ये जो नए शौकीन है उनके लिए अच्छी चीज़ है बोलूँगा भाई। आप देखिए बहुत एक्टिव पार्ट है, इसकी एग्जैक्ट एज तो मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छा दाना वाना पकड़ी हुई अच्छी चीज़ है। यहाँ से कोई लेकर मेहनत करेंगे तो ये ब्रीडिंग के लिए भी आ जाएगी। एग्जैक्ट एज नहीं पता, लेकिन भाई काफ़ी पहले लिए सो है, अब निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको दूर से बता दूं, बहुत नटखट है भाई, हाथ को नहीं लग रही, बहुत तेज़ है, ज़रा भाग भाग कर रही है, इसलिए पकड़ कर बना रहा हूँ वीडियो। तो हमारे मिनाज भाई ज़रा कैम, तो भाई ज़रा नटखट है, मुश्किल हो रही है मुझे बनाने के लिए, क्योंकि मैं मिनाज पे अकेले है। ये 12 इंच आ रहे हैं भाई, चौड़ाई बता दो भाई। बारिश भी शुरू हो चुकी है, ये 5 के ऊपर आ रहे हैं मिनाज भाई, 5 है, चलिए 5 के ऊपर आ रहे हैं, 5 पकड़िए आप। हमारे मिनाज भाई भी समझदार हो गए, थोड़ा ऊपर रहा तो 5 ऊपर रहे। तो इंशाल्लाह भाई मेरी कोशिश यही होती है कि आप तक का जो एग्जैक्ट है डिटेल पहुँचाऊँ। तो देखिए कान भी माशाल्लाह बहुत खुले हैं, ये देखिए आप स्ट्रक्चर देखिए, कान में खुलापन है, और जो नए शौकीनों के लिए अच्छी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर एक बता दूँ, ये ना है बात कि कैमरे में बड़ी दिखी, तो लंबाई भी माप दो भाई, बेहतर है, ज़रा अकेले प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को। कितनी आ रही भाई, चलिए लंबा है, हाइट माप दो ज़रा स्ट्रेट। अरे भाई ज़रा रुक जाइए यार, भाई बहुत नटखट है भाई, माशाल्लाह बहुत तेज़ है, बहुत एक्टिव है। अभी नाम तो नहीं है इनका, नाम आप लेके ख़रीद लिए सवाले रख लीजिए। कितना आ रहा भाई, 23 हाइट आ रही है भाई, तो आप एग्जैक्ट ले लीजिए, मेजरमेंट लेके आइए, ऐसा ना करिए कि फिर यहाँ देखने के बाद छोटी दिखी। तो मैं आपको हाइट लेंथ वगैरह अभी दे दिया हूँ, 23 हाइट आ रही है, 3 आ रही है, तो जिसको भी चाहिए 16,000 रुपये में देना है भाई, और ज़्यादा नेगेशियबल नहीं रहेगा, तो मेहरबानी ज़्यादा उम्मीद ना करें। तो देखिए अच्छी चीज़ है, ज़रा छोड़ दो मिनाज भाई, अब इसको ज़रा फिर ले दो, ज़रा पत्ता बता दो आप, छोड़ दो आप, ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए आप, ज़्यादा बड़े फ्रेम की नहीं है, 16,000 है, जो स्लाइटली नेगेशियबल रहेगा, तो जिसको भी चाहिए हासिल कर लीजिए। बहुत खुले कान में है भाई, कान ज़्यादा बड़े नहीं है लेकिन खुले बहुत है, और आँख का आकार अच्छी है। अगर ये जब ब्रीड कराएंगे अच्छे नर से तो अच्छे बच्चे बनने की उम्मीद है, और रेट भी रीजनेबल है भाई। चलिए अल्लाह हाफिज़।